studied about the poles of Malpensa. And today we have to study the poles of Earth, that is geographical poles and the magnetic poles. What is the relation between them? How the poles of the Earth differ from the poles of your magnet. Okay, so this is your Earth. This is your Earth. Your Earth is divided by an equator line. Ye sabko pata hai. Theek hai? Then we have two points at the extreme end of the Earth. Those points join to form a rotational axis. Wo points ko jod karke kya banti hai? Rotational axis. On that rotational axis, Earth revolves. Earth kya hoti hai uspe? अब जिन दो पॉइंट्स को मिलाकर के एक रोटेशनल एक्सिस बनी थी, जिन दो पॉइंट्स को मिलाकर के वी फॉर्म अ रोटेशनल एक्सिस दैट टू पॉइंट्स, दोस टू पॉइंट्स आर कॉल्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ. ये सबको पता है. दिस इज ऑल क्लियर. दिस इज ऑल ज्योग्राफी. एंड नाउ वी कम टू साइंस. ओके, इन योर बार मैग्नेट, इन योर बार मैग्नेट देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, सिमिलरली इन अर्थ कोर, अर्थ के कोर में, डीप डाउन अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे, देयर इज मोल्टन मैग्नेट, देयर इज मोल्टन आयरन, देयर इज मोल्टन आयरन. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से और अर्थ के कॉन्टिन्यूस मोशन की वजह से क्या जनरेट होता है? एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. क्या जनरेट हो जाती है? एक मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड एंड दिस इज द कोर ऑफ द अर्थ, है ना. सो मोल्टन आयरन इज प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस मोशन इज सीन इन द अर्थ, दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. ठीक है. नाउ अभी ड्यू टू द जनरेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से द अर्थ एक्ट्स एज एन मैग्नेट. ठीक है, अर्थ एक्ट्स एज एन मैग्नेट. जस्ट इमेजिन अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को इमेजिन करिए. ठीक है, उसी तरह से अर्थ एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है. यू हैव टू इमेजिन इट लाइक दैट. अर्थ कैसा है? एक बड़ा सा बार मैग्नेट. ठीक है, अब दोनों पोल्स में दो, अब बार मैग्नेट है अर्थ तो उसके पोल्स भी होंगे. ठीक है, दोनों पोल्स में लाइक ज्योग्राफिकल पोल अभी हमने समझा और जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रही है उसके भी कुछ पोल्स होंगे. दोनों पोल्स में क्या रिलेशन है? हमने कैसे जाना कि अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल और अर्थ का मैग्नेटिक पोल क्या रिलेशन शो करता है? अर्थ का मैग्नेटिक पोल कहाँ है? नॉर्थ पोल तो हमें पता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. पर हमें ये भी समझना है कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, अब ये हमने कैसे समझा? वी यूज अ कंपास, हमने एक कंपास लिया. देन वी सॉ कि उसकी नीडल, कंपास की नीडल जो नॉर्थ को पॉइंट कर रही थी, ठीक है, नॉर्थ को पॉइंट कर रही थी, वो किधर आ गई? ऊपर की साइड आ गई. ठीक है, सॉरी, यस, वो ऊपर की साइड आ गई. जो नॉर्थ की साइड पॉइंट कर रही थी वो ऊपर की साइड आ गई. ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर जो हमने कंपास लिया उसमें जो नीडल है वो भी एक बार मैग्नेट की बनी हुई है. ठीक है, एंड दैट नीडल शोज टर्न्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर अर्थ. ठीक, ओके, सो दिस इज योर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर मैग्नेटिक पोल. ठीक है, हमने ये देखा था कि जो मैग्नेट की कंपास का मैग्नेट था उसकी नीडल वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. तो उसकी नॉर्थ जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल था दैट वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. और हमने मैग्नेट की पोल्स की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा है दैट दी ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट. ठीक है, सो इफ द नीडल टर्न्ड टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दैट मीन्स कि जो अर्थ का मैग्नेट है उसका साउथ पोल कहां पर है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल इज देयर इन द अर्थ, देयर इज मैग्नेटिक साउथ पोल. ओके, दैट्स व्हाई द नीडल टर्न टू द मैग्नेटिक साउथ पोल दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. ओके, क्लियर. दिस पोल, दिस लोकेशन ऑफ इट्स साउथ पोल इज अप.
ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का होगा नीचे होगा, जहां पर ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ओके ओके, यू अंडरस्टूड वेयर इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वेयर इज मैग्नेटिक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल एंड हाउ डिड वी फाइंड इट, हमने उसका पता कैसे लगाया। ओके okay.